पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल यू रहेगा जी, बीजेपी वालों का बिल्कुल सूपड़ा साफ है, सच्चाई तो है या। और ये जो पंजाबी मरे हमें, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में सरदार जी मरे जिन्हें खालिस्तानी कहते हैं, और वे कहते हैं वे जो आर्मी में मरे वे सरदार जी मरे, क्या वे खालिस्तानी है फिर? वे जो भगत है, अंधभक्त है, जिन्हें दलाली चाह, जिन्हें इनका बीजेपी के खिलाफ दलाली करके दो दो रुपये कमारे, वे तो रहेंगे जी बीजेपी पे, सच्चाई तो यह है। नहीं तर जो आम आदमी है और जो परेशान है और जो वो है, 90% आदमी लोकदल और समाजवादी के गठबंधन से जुड़ के पूरा सर एक तरफा सरकार आ रही है। ढाई का कट्टा 2400 रुपए है जी आज की गड्डी में, लेकर तो देखो। और सिरसों का तेल पेल मारी सिरसों तो जागी जी 3000 रुपए कुंटल बनी होगी जागी उतने में। और जो ये बिल में है, बिल में जमाखोरी का है, जमाखोरी का आप जानते हो, जमाखोरी का जब जमाखोर भाई बड़े बड़े पैसे वाले हो जाएंगे, सब जमा कर लेंगे अपने दौरे स्टॉक लगा लेंगे, जब किसान की फलक वह फसल आओगी वे तो अपना स्टॉक काट देंगे बंदे में लेंगे, मरेगा तो कौन, किसान मरेगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और 2022 के चुनाव में आप किसको वोट करना चाहेंगे? मेरा नाम संदीप है, मैं खेकड़ा का निवासी हूँ। 2022 में जो चुनाव होंगे विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उसमें हम राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे। बीजेपी ने 5 साल यहाँ हो गए बीजेपी को जी, और आने वाले 2022 में चुनाव दोबारा आने वाले हैं जी। बीजेपी ने भी 5 साल में विकास किया है, अनेकों योजनाएं लेकर के आई हैं जी, और पहले भी जाट समाज जो है आपके यहाँ, ये जाट बहुल क्षेत्र है, यहाँ से सांसद बीजेपी का है जी, विधायक बीजेपी का है जी। तो आपके अब की बार आप क्यों मन बना रहे कि आप RLD को सपोर्ट करेंगे इस बार? RLD को सपोर्ट करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि राष्ट्रीय लोकदल ही किसानों की बात उठाती है। अभी पिछले एक साल से जो बॉर्डर पे किसानों का धरना चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो 3 काले कानून लाई है किसानों के लिए, उसका विरोध हो रहा है, किसान बहुत नाराज हैं। और यूपी में बीजेपी ने जो किसानों से वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसानों को बिजली बहुत महंगी मिल रही है, हमारा पहले नलकूप का बिल 12,000 रुपये आता था, आज 24,000 रुपये हो गया। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है, गन्ना किसान बहुत परेशान है, ना उसका बकाया मिल रहा। अभी एक हफ्ते बाद मीलें चालू हो जाएंगी, लेकिन पिछले साल का हमारा आधा भुगतान हुआ है अभी तक। और हमसे मुझे याद है 2017 में जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे यहाँ आए थे, जनसभा की थी, उन्होंने मंच से कहा था कि हम किसानों का 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे और 14वें दिन जो है गन्ने का पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन 14 दिन क्या, 28 दिन क्या, 50 दिन क्या, अब मतलब पूरा भुगतान ऐसे पेंडिंग पड़ा है। तो आपके हिसाब से आपका वोट करने का मकसद है कि RLD महंगाई कम कर देगी, गन्ने के रेट बढ़ा देंगी, आपका मानना ये है? देखो, जब भी एक वोटर वोट करता है तो पहले हमारा भी 2017 में यही मन था कि भाई यूपी में हमने मायावती की सरकार देखी, अखिलेश यादव की सरकार देखी, तो इस बार बदलाव करेंगे तो बीजेपी आएगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने आज इंडिया में पहले नंबर की पार्टी है, सबसे ज़्यादा प्रदेशों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, इस उम्मीद से वोट किया था कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर वादे कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते वोटर ने कि भाई चलो इनको भी एक बार देख लो। लेकिन इनको देखा, अगर इनकी तुलना में 2007 में मायावती की सरकार बनी थी और 2012 में अखिलेश की सरकार बनी थी, अगर उन सरकारों से भी इस सरकार की तुलना की जाए योगी सरकार की, तो वो सरकार ज़्यादा बेटर थी किसानों के लिए। उन्होंने किसानों पर डाई के, खाद के, बीज के, विद्युत का बिल, नलकूप का बिल, इनसे कभी उन किसानों को मतलब ज़्यादा वो नहीं किया उन्होंने। तो आपके हिसाब से 2022 में अखिलेश यादव और RLD की सरकार बनना तय है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि यूपी में सपा और RLD गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जैसा अभी माहौल चल रहा है पिछले एक साल से किसान आंदोलन से, और जैसा भी हम टीवी में देखते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, और जो अपने समाज के लोग हैं, भाई लोग हैं, भाईचारा वगैरह जो है, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी रिपीट नहीं करेगी और नई पार्टी की सरकार का गठन होगा।
सर अगर जो आप इधर आ जाइए प्लीज, लखीमपुर खीरी की बात करें, नरसंहार वहाँ हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो किसी पे ही चढ़ा देंगे जबरदस्ती है जी इनकी तो, दिल्ली में यहाँ आतंकवादी बतावे कभी तालिबानी बतावे, असली किसान बताओ फिर कहाँ रहे वो? किसान संगठन से आप जुड़े हुए हैं? नहीं जी खेती कर रहे तो किसान तो हम हैं ही, संगठन से आप जुड़े हुए जो लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, लोग बैठे हैं वहाँ पे, आप बॉर्डर पे भी जाते हैं, सारा काम करें, पूछावे भी है, राशन भी पूछावे। और फिर एक बात बताओ जी, हम किसान आतंकवादी हो गए तो फिर असली किसान कहाँ में जाओ? 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो इसकी जैन सरकार चाहते हैं जी, जैन सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा। नहीं जिस तक गठबंधन होगा वो भी तो कुछ ले आओगा, किसी के ऊपर धोरा मुँह हो तो आप यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम में जी जयंत की लहर है, जयंत किसानों की बात सुने, जयंत इनका परिवार ही करता है, चौधरी अजीत सिंह किसानों की सुने थे, चौधरी चरण सिंह किसानों की सुने थे, उन्होंने तो चौधरी चरण सिंह ने नेहरू का विरोध कर दिया था नागपुर अधिवेशन में, तो चौधरी अजीत सिंह चौधरी जैन चौधरी हैं, तो यही किसानों की बात ठाऊंगे, यही मुद्दे ठा सकें, और जोन से हंडे ये थोड़ा मुद्दे ठाऊंगे। ये तो 30 तारीख को यहाँ एक आम सभा है बड़ोद के अंदर है जी, उसकी आपकी क्या तैयारी है? तैयारी यह है घर गहलते आदमी जाएगा जी, ट्रैक्टर भर के चलेंगे। दूसरी चीज ये गड्ढायुक्त सड़क कहते जैसा आप खेकड़े तक लिख दो और यहाँ चलो कोई सी सड़क पर चलो जो खेकड़े तक गम्मू में सड़क जा, ये इतने गहरे गड्ढे हो रहे, एक सड़क तो बताओ जो उनसी पे काम करा हो, एक भी सड़क नहीं बन रही सर, गम्मू में आ जाओ एक भी सड़क जो बन रही हो यहाँ पे। यहाँ अगर जो बात करें, 5 साल पिछली बार बीजेपी का विधायक रहा है, क्या विकास हो पाया है यहाँ पे? जी देखो विधानसभा की बात, यहाँ पे कोई विकास नहीं हो पाया। आपने देखा होगा मोदी जी ने बहुत वादे करे थे, योगी जी ने काफी वादे करे थे, काले धन का वादा था, कहाँ है काला धन? काला धन वापस आने की बजाय और नीरव मोदी माल्या जी जैसे कई कई हजार करोड़ रुपए बैंकों के लेकर बात करें, अगर जो अभी बात करें, नहीं आपने कहा 25 साल में योगेश धामा जी की बात करें, यहाँ से योगेश धामा जी विधायक हैं जी जी, अगर जो उनकी बात करें तो उनके काम से आप कितने संतुष्ट? नहीं नहीं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में था अगर हमारी सरकार आती है हम 450 रुपए क्विंटल का भाव देंगे, अब ये आके 25 रुपए बढ़ा गए 350 करके, तो ये तो अपनी बात पे खड़े नहीं उतर रहे, लाल किले पे खड़ा होके जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता हूं उनके हमने सारा भुगतान कर दिया, और उनके एक किसी का भुगतान नहीं रहा, इतना पेमेंट हो गया, एक बात तो बता दो उस पे विश्वास कैसे कर ले? इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है हम 450 रुपए क्विंटल का भाव देंगे, तो उस बारे में भी तो कहो 25 रुपए का क्या भाव है जी? 25 यानी कि 25 पैसे किलो बढ़ रहा, हमें मिल क्या रहा? अगर जो हम बात करें योगेश धामा के काम को लेकर के, उनके काम से आप कितने संतुष्ट? योगेश धामा ने जो गलत नीतियां थी बीजेपी के वे थी, मारे में फाट गेरण का काम करा और कुछ नहीं करा, बीजेपी जो है फूट गेरो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों वाली नीति थे ना वह नीति इनके अंदर आ रही जी, अंग्रेजों वाले गुण, पहले ही अंग्रेजों के मुखबर थे अब ये वैसे मुखबर हो रही, फूट गेरो राज करो यू इनका नियम है और कुछ नहीं है, जब ये खुद कह रहे थे हमारी सरकार आती है हम 450 रुपए क्विंटल का भाव देंगे, कितने बढ़ा दिया इन्होंने, ये भी ना चुनाव आ रहा तो 25 रुपए बढ़ा दिया, 25 रुपए मोदी जी ने कहा था ढाई का कट्टा 2400 रुपए है जी आज की घड़ी में लेकर, तो देखो और सिरसों का तेल पेल हमारी सिरसों तो जागी जी 3000 रुपए क्विंटल बनी होगी जागी उतने में, और जो ये बिल में है, बिल में जमाखोरी का है, जमाखोरी का आप जानते हो, जमाखोरी का जब जमाखोर भाई बड़े बड़े पैसे वाले हो जाएंगे सब जमा कर लेंगे अपने दौरे स्टॉक लगा लेंगे, जब किसान की फलक वह फसल आओगी वे तो अपना स्टॉक काट देंगे बंदे में लेंगे, मरेगा तो कौन? किसान मरेगा और कोई नहीं मरने, पूरा पूरे का पूरा जो ये बिल है ना यू बिल किसानों के खिलाफ तो है ही है, जो ये आम जनता घूम रही इनके लिए और ज्यादा नुकसान का है, हम तो फिर भी कर खा लेंगे अपना नून की खा लेंगे, पर इनका देखो इनकी यार क्या होगा, जनता का क्या होगा, हम तो जनता के लिए लड़ रहे, पर जनता को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि किसान जनता के लिए ही आवाज उठा रहा है। अब आप बताओ सिरसों का भाव क्या है, सिरसों का तेल कितने रुपए लीटर है, पेट्रोल डीजल कहाँ है, जहाँ पहले उसमें हम बुआई करते थे हमारे 200 रुपए का खर्चा आता था एक बीघे में बुआई पे ट्रैक्टर पे तेल पे, आज की घड़ी 450 रुपए में आवे
बताओ क्या कर ले अब हम, हर चीज का महंगाई बढ़ती जा रही, गांडे का भाव अजी 25 रुपए बढ़ा दिए, 25 रुपए क्विंटल पे बढ़े, कायदे में तो 25 पैसे किलो बढ़ा, 25 पैसे किलो, 9 रुपए भाड़ा बढ़ा दिया, उस चीज को देखो ना 25 पैसे किलो। ये तो दवाइयों पे बढ़ाओगे, एक किलो पे बढ़ाओगे 50-50 रुपए, और वो और हमारे गांडे पे बढ़ेगा मात्र 25 पैसा, तो ऐसा कैसे काम। इस सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, संतुष्ट नहीं। आप बता दो, इन्होंने संतुष्ट के लिए वो काम किया, हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है हम, आप बताओ वो काम इस सरकार ने किया किसानों के लिए, वो काम करा किसानों का नरसंहार करने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ, अगर किसान ने आंदोलन की ठान ली तो दिल्ली का तख्ता हल जाया करता, सरकार अपने आप आ जाया करती, और पहली बार ऐसा काम हो रहा, किसान मरे लग रहा, 800 से ऊपर किसान मर गया, एक भी श्रद्धांजलि दी क्या? मोदी जी ने शिखर धवन के गुंठे पे चोट लगी तो ट्वीट कर दिया, नुके दी उसके गुंठे पे चोट लगी, बड़ा ही दुख की बात है, ये 800 किसान मर गए, ये किसान नहीं है लखीमपुर खीरी में, और ये जो पंजाबी मरे, हमें हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में सरदार जी मरे जिन्हें खालिस्तानी कहते हैं, और वे कहते हैं वे जो आर्मी मरे वे सरदार जी मरे, क्या वे खालिस्तानी है फिर वे? तो इस चीज़ का भी तो बताओ ना, मीडिया को भी एक अपना अहम योगदान निभाना पड़ेगा, जब ही जाकर वो होगा, वरना बिल्कुल तानाशाही, जो अंग्रेजों वाली तानाशाही थी ना वही है, और फूट गिर और राज करो वाली डिवाइड एंड पॉलिसी वह इन्होंने लागू कर दी बिल्कुल, और कुछ नहीं है। तो 2022 चुनाव आ रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? यहाँ तैयारी इतनी तगड़ी है, पहले युवा था, युवा थोड़ा अंधकार में रह गया, युवा ये देख रहा था भाई नहीं आओगी, ये कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे, कुछ नहीं करा इन्होंने, युवाओं की भी समझ में आ लिया। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी की दर देखे, GDP देखे, आज GDP कौन से नंबर पर हमारी, जानते हो आप तो GDP माइनस में चल रही, और वो भी लॉकडाउन में किसानों ने GDP थाम रखी थी, और किसानों को मिला क्या? किसानों को मिला लाठी मिले, डंडे मिले, उन्हें बैरिगेट लगा दिया गया, बैरिगेट लगा दिया गया और उन्हें मार दिया गया। किसान आज आत्महत्या करने पे मजबूर है, नू बता दो, मोदी जी ने एक ट्वीट करा के लिखी, मोदी जी ने एक भाषण दिया था, मैं सुन रहा था, मोदी जी ने एक बात कही है कि मैं बात करने के लिए हमारी पार्टी तैयार है, और एक कॉल दूरी पे हम लोग बैठे हैं, तो किसान अगर जो बात करना चाहे तो हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। तो आपको इस पे क्या करना? कॉल आई क्यों नहीं, एक बात तो बताओ, प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री है, इन जनता ने तो चुने होंगे सबने, अपने घर तक यू तो है नहीं भाई, होती प्रधानमंत्री बन गया था, प्रधानमंत्री जो होता है जनता का सेवक होता है, वो हमारा सेवक है, हम उसके दौरे जाएंगे, वो हमारे दौरा होगा भाई, वोट हमने दे रखी तो जनता का सेवक है, वो हमारे पास आओगा कहाँ आओगा, इसका मतलब वो तो अपने आप का ताना सामान के मान रहा है, किसान भी है, किसान ही तेरे दौरा आके तेरे पाँव पकड़े सारे काम करे, अगर उसे करना होता तो ये बात बोलते ही नहीं कोल की, वो खुद आ लेता। तो इस बार 2022 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा, क्या माहौल रहेगा? यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल यूँ रहेगा जी, BJP वालों का बिल्कुल सूफड़ा साफ है, सच्चाई तो है, या थोड़े बहुत जो भगत है अंधभक्त है जिन्हें दलाली चाह, जिन्हें इनको BJP के खिलाफ दलाली करके 2-2 रुपये कमारे, वे तो रहेंगे जी BJP पे, सच्चाई तो यह है, नहीं तो जो आम आदमी है और जो परेशान है और जो वो है 90% आदमी लोकदल और समाजवादी के गठबंधन से जुड़ के पूरा सर एक तरफा सरकार आ रही है। आपका क्या मानना है? देखिए सर, बात ऐसी है, ये धर्म की राजनीति करने वालों लोगों को अब लोग पहचान चुके हैं, जनता पहचान चुकी है, ये धर्म की जाति की राजनीति अब ये युवा देश में नहीं होने देगा। अब तो जो विकास की बातें करेगा, रोजगार की बातें करेगा और किसानों की बातें करेगा, उसको पार्टी उस पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। और BJP तो सिर्फ हमेशा से धर्म की राजनीति करती है, किसानों का ये कभी भला नहीं कर सकते, ये तो दो बिजनेसमैनों की पार्टी बन के रह गई, अडानी और अंबानी। ये देख लो जी, छोल रेल बिक गई, आप देख लो रेल बिक गई, LIC बिक गई, और हमारे एयरपोर्ट्स बिक गए, कोई विभाग ऐसा नहीं बचा, कोई विभाग ऐसा नहीं बचा जो नहीं बिक रहा। और ये आप किसानों की बात मत करो सर, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सर्वे में देख सकते हो, आप गूगल पे, हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, लोग सर्वे निकाल करके लेके आए हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ है। आपके जाट समाज के भी लोग अभी भी कुछ BJP के पास हैं, तो BJP की बात करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, वे वो लोग हैं जो BJP से थोड़ा बहुत देखे। पिछली लहर में क्या था, इन्होंने युवाओं को अंधकार में रखा, 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार के तो आप छोड़ लो, इन्होंने रोजगार खोस लिए। जब हमारी सरकारी सब कंपनियां सब चीजें सरकारी बेच चुके हैं तो रोजगार का तो आगे आने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, किसानों की बात नहीं है, यूपी के अंदर लगा लो या इंडिया के अंदर लगा लो, अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करूं तो एक पुलिस विभाग को छोड़ के जितने भी विभाग हैं आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, 4-4, 5-5 महीने की सैलरी रुकी हुई है। जब ये सैलरी नहीं दे सकते अपने कर्मचारियों को तो क्या करेंगे ये?
तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोपाल सिंह है। आप भी इसी विधानसभा में रहते हैं? हाँ, खेकड़ा मेरा निवास है। निवास है। आपका क्या मानना है 2022 में तो चुनाव आने वाले हैं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हम तो आजीवन चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। आने वाले समय में जयंत चौधरी को पूरी। चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ सांसद बीजेपी के हैं जी, विधायक बीजेपी के हैं जी, तो आप लोगों ने तो वोट दिया है, तो जाट बहुल क्षेत्र है जी, तो अब आने वाले समय में क्या ऐसा आप बदलाव लेकर के आएंगे जो जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये बीजेपी वालों ने झूठ बोल के मंदिर मस्जिद के सपने दिखा के और 15-15 लाख रुपए खाते में आने के सपने दिखा के ये सब झूठ बोल के इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। आगे इनकी बातों में इनके इनसे गुमराह होने वाले नहीं है, पूरी जनता यहाँ की, किसान, पूरा किसान तबका। मोदी जी का तो कहना है हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खाते में पैसा भेज रहे हैं, एक क्लिक कर रहे हैं तो करोड़ों रुपये जा रहा है उनके खाते में। इतनी बेहद जनता इतनी बेहद परेशान है, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल सारे आसमान, महंगाई आसमान छुरी, डीएपी दवाई सब मामला इन्होंने बेहाल कर दिया, झूठ बोलते हैं। तो अच्छा, आपका मानना यह है कि इस बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की सरकार बनेगी? मेरा मानना है चौधरी जयंत मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ भाऊ जी, आपका क्या मानना है? जो बड़े भाई ने कह दिया वो ही मानना। आपका क्या मानना है भाई साहब? मेरा मानना ये है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मोदी जी 1.5 साल का डीए खा गए, एरियल खा गए, और दूसरे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनकी पेंशन बंद कर दी, इतना बुरा हाल है, जीना मुश्किल हो रहा है, महंगाई ने भीख मांगने के करीब पहुंचा दी। 2022 चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? 2022 के चुनाव में जयंत चौधरी और एसपी की सरकार बने तो हो सके जान बच जाए, नहीं तो बेड़ा गरक कर दिया इस देश का इस मोदी ने। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।